जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग करने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सफाई पेश की है कि आखिर क्यों उन्होंने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के सरकार बनाने के दावे को खारिज किया। मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं किसी को मौका दे दूं और वो फिर बड़े पैमाने में खरीद फरोख्त करे और स्टेट को डिस्टेबलाइज करे। उस वक्त जब हमारी फोर्सेस जान की बाजी लगा के चुनाव करा रही हैं, ऐसा चुनाव कभी हुआ नहीं है। चार चरण के चुनाव में एक चिड़िया की कैजुअल्टी नहीं हुई है। बड़े पैमाने पर लोग गांव में आके वोट कर रहे हैं। ये फोर्सेस तो वो हैं जो डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं चाहती थी, और ये अचानक ये देख के ओहो, ये तो बहुत हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं। एक अनहोली अलायंस करके मेरे सामने आ गए थे, तो मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया। मैंने दूसरे पक्ष को भी नहीं सुना है और इनको भी नहीं सुना है। मैंने जो जम्मू कश्मीर की जनता के पक्ष में था वो काम किया है। वहीं पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाली बीजेपी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों को सरकार बनाने का निर्देश सीमा पार से मिला है। These very same parties, PDP and NC, which have boycotted the local bodies elections last month because they had instructions from across the border. Now, they probably had fresh instructions from across the border to come together, form the government. Otherwise, BJP and other parties have managed to do well in the local body elections.